अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? क्योंकि लास्ट डे आपने देखा था कि जब हम ट्रिप पे आए थे अनप्लान, और हम बहुत ही ख्वार हुए थे, और एंड में हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच सके थे जो कि ब्रूटी वाटरफॉल था। उसकी एक रीज़न सिर्फ ये नहीं थी कि हम ख्वार होते रहे थे, बल्कि ये था कि गूगल मैप ने जो हमें डेस्टिनेशन बताई थी जिस रास्ते से ना, उस रास्ते से वो बहुत मुश्किल था। हम तकरीबन पहुँचे थे कोई 5 से 5:30 के करीब उधर पीर सुहाबा के टॉप पे, जहाँ से ब्यूटी वाटरफॉल का रास्ता आता था। लेकिन वहाँ से फिर हमें जो वहाँ के रिहायशी थे उन्होंने बताया कि यहाँ से अगर आपको बाइक खड़ा करके ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे कम से कम आप 1.5 घंटा आप पैदल चल के जाएंगे, फिर जाके जो नहीं आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकेंगे। तो आज दूसरा दिन है, हमने कहा चलो जी, पहले दिन तो ख्वार हुए हैं, जिस तरह मेरे दोस्त ने मुझे कराया, मैंने आपको बताया मेरे साथ बहुत सारे ख्वारी भाई हैं जो ख्वार कराते हैं, तो मैंने कहा चलो आज का दिन अच्छा गुजरेगा। एक दिन ढोंगियाँ मारने हुई हैं, लेकिन आज का आप दिन देख सकते हैं कि तकरीबन 3:30 बजे हैं, मैं सर धूमे खड़ा हूँ, पीछे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि किस तरह भाव है, और इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई बंदा किधर निकल गया है, कोई किधर निकल गया है, कोई पता नहीं है। एक और ख्वारी भाई है वो मेरे साथ ही, वो उनको कॉल्स का आ रहा है, पता नहीं ये लोग कब आते हैं, कब मिलेंगे, कब हमारा आगे सफ़र शुरू होगा, लेकिन सब तितर बितर हो गया। तो बस लोग वाकई नहीं ठीक हो सकते हैं, कहते ना कुत्ते की दो डिंगी की डिंगी रहती है, तो मेरे दोस्तों का वही हिसाब है। मैं तो अजीब ख्वार हो रहा, अभी देखे कि 3:30 के करीब ये जून का अभी मन चल रहा है, गर्मी आपको इंडिया पता है, चले ख्वार होना था हो रहे हैं, अब आगे चल के देखते हैं कि कब जाके होगा। पसीने से मेरी हालत देखिए आप, क्या हो रही है कि चले बाकी अब सफर का आगाज करते हैं, मैं वेट करता हूँ कब जाके मिलते हैं ये नमूने मेरे। तो बाकी चले स्टे ट्यून, आप बताते रहेंगे आगे की अपडेट्स, और इंशाल्लाह आज कोशिश पूरी है कि आपको डेस्टिनेशन पर जाके दिखाया जाए ब्यूटी वाटरफॉल है कैसा। ये सामने बरीमाम का मज़ार है, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ब्रूटी वाटरफॉल की तरफ। सड़क लेफ्ट साइड पे मोड़ रही है, और लेफ्ट साइड पे हम मुड़े हैं अभी, क्योंकि जो कल हम रास्ता गए हैं ना, वो आपको हमने बताया है कि वहाँ से बहुत ख्वारी वाले हैं, वैसे तो मेरे साथ आई ख्वारी भाई सारे, तो ये देख लीजिए वही नमक राम असल में दोस्त है कि जो आगे निकल आए थे मुझे छोड़ के, और फिर रास्ता में आपको शुरू से नहीं दिखा सका, इसलिए मेन अब आप ये ध्यान में रखें कि बड़ी माम है ये साथ है, लेफ्ट रोड एक जा रही है जो मैं गालपन लोहे दंडी की तरफ जाती है। तो अब ये वाला रास्ता आपने देखना, और उम्मीद करते हैं कि आज हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो कि ब्यूटी वाटरफॉल है। फिर चला आपको हम कन्फर्म कर लग रहा मुश्किल ही है, लेकिन कोशिश है क्योंकि रास्ता अभी भी नहीं हमें पता, लेकिन कोशिश पूरी है, और आप ये देख सकते हैं कि कैसे इधर खतरनाक किस्म की आगे हमारे भाई जा रहे हैं लकड़ पकड़। अभी ये दो तरफ रोड जा रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन आपने लेफ्ट साइड पे नहीं जाना, राइट साइड पे जाएंगे, और आगे सीधा ये एक ही रोड जाती है, तो अब फिर आगे हम थोड़ा सा आगे फिर लेफ्ट मुड़े, और जो रोड सीधा मार रहे थे ना ऊपर, ये साथ ही रेंजर का एरिया है, वो उस रोड से मार रहे थे, आप लेफ्ट से अभी आगे की रोड सिंगल जा रही है एंड तक। ये बात तो आपने पहले भी नहीं कही थी भाई जान, ये बार बार कहने की पड़ती है, मुझे याद रखती है। तो बोलता जाए एक आध मिनट की बना दे क्या, देखे गाँव का मंजर सामने आपको हम बहुत खूबसूरत मंजर पहाड़ों का दिखा रहे हैं, ये गांव जैसा एरिया है, यहाँ पे बड़ी मजे की ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ी इलाका है बिल्कुल, बहुत फासले से जा रहे हैं, पता नहीं लोग यहाँ पे किस तरह रहते होंगे। देखने में तो बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ का, लेकिन रिहायशी तौर पे बहुत मुझे लगता है कि लोगों को मुश्किलात होती होंगी यहाँ पे। अलग साइड पे हम आगे थे, गाइड करने वालों ने हमें मिसगाइड कर दिया था, तो यहाँ के रिहायशी लोगों ने हमें बताया कि ये रास्ता नहीं जाता, आप दूसरी साइड पर जाएँ। लोग बड़े हमारे साथ बहुत ही बेकार किस्म के हैं, लेकिन बस मजबूरियाँ लेके जाना पड़ता है गैदरिंग। नहीं ना क्या करें, अल्लाह ने नया दिल बनाया, मस्कीनों का ख्याल रखने के लिए कहा है, ख्याल रखने के लिए पता तो है नहीं जगह का, लेकिन हमें बस जब प्लान बना रहे थे, लेकिन हमें सारा कुछ पता, हम यहाँ पे 200 बार नहाने गए हुए हैं, इस वजह से हमने इंडिया में नहा के हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन ये तो स्टार्ट नहीं, उन्होंने
हमने गलत रास्ते पे उतार दिया था। ये नीचे की तरफ नहीं जाना आपने, सीधा ये फुटपाथ ऊपर जा रही है, इस पे जाना है आपने। और ये गुरुटी का आगाज़ हो गया है, बाकी सर जो है आगे स्टार्ट में तो ये जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे इस तरह की फुटपाथ है, रोड नहीं थी यहाँ पे, बहुत गंदे पत्थर वगैरह थे। वो भी दिखाते हैं आप, असल में ये भाई साहब मेरे कॉल भी सुन रहे हैं तो इसलिए, वरना वो ऊपर लोहे दंदी भी है साइड पे, देखना कि आपने ये लोहे दंदी भी जा रही, मैं आपको दिखा दो, वो सामने है ना वो लोहे दंदी का ना, जूम करना, जूम करके दिखा दो, वो लोहे दंदी का है जहाँ पे वो चिलागा है यार, आपको नजर आएगा, वो जूम करना, वो बड़ी मान साहब की कहते चिला गा है, सुबह दिल्ली आप कहते हैं, उसके ऊपर मैंने भी काम बनाया हुआ ना, मजेगा था ये, वो बड़ी पहाड़ी के साथ चिला गा। आप इस नीचे नीचे आ रहे हैं और जगह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है। चेक करें जो शुरू होने लगा है ये, यहाँ पे हमारे एक भाई को मोटरसाइकिल वाले उतार दिए, जिनको हम नेकी भाई कहते हैं प्यार से। अस्सलाम वालेकुम, आज आए हैं हम अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने खुशगवार लम्हात को गुजारने के लिए। आज हम आपको दिखा रहे हैं ब्रूटी वाटरफॉल, जो इस्लामाबाद की एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पे पहाड़ के बीचों बीच एक चश्मा बहता है, चश्मे के आपको बहाव दिखाएंगे, उसकी ठंडक का एहसास दिलाएंगे, क्योंकि अगर आप खाली आ नहीं सकते हैं तो आपको खाली एहसास तो दिलाया नहीं सकते हैं। आज हम जा रहे हैं ब्रूटी वाटरफॉल में, और आपको भी उम्मीद करते हैं आप भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे खुशी के लम्हात गुजारने के लिए, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आप ज़रूर आएँ और ये खुशी के लम्हात अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय करें, और अपनी बुढ़ापे की यादों में एक ज़खीरा और का इजाफा करें। शुक्रिया। ये लगे हुए भाई, इसका अंदर घुसा दे, दो करनी पड़ती है इधर पहुंच के ऐसे मकाम पर। ये देखे ये वो लगा यार, लाख लगा तू बाद में बातें ऐसे कुत्ते दोस्त होते हैं जो बेइज्जत भी करते हैं अच्छा ये मेन जगह हुआ करती थी जहाँ पर हमें यहाँ के लोग रिहायशी अभी बता रहे थे कि यहाँ से जुनिया पानी बह के जा रहा होता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर पानी है। तो जो करंट सिचुएशन है इस जून के महीने में, जो इधर प्लान बना रहे हैं कि अगर आके नहाया जाए तो वो देख लें कि अभी तक तो इधर पानी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं कि ताकि कंफर्म कर ले कि पानी है या नहीं है। बाकी बाइक सल्ला गया वाले, तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कि कुछ है या नहीं इधर। और ये थी वो आबशार जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, आखिर हमने पानी ढूंढ निकाला, हमने आपको कहा था हम ऊपर जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल लेंगे। अब पानी हमने निकाल दिया, आप राजी होना हो अलग बात है, इसमें आके आप नहाना चाहे तो फ्री में, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सिमली डैम का जा रहा है और यकीन माने बहुत ठंडा है, तो आप लोग लाजमी आए। ये था हमारा ब्रूटी वाटरफॉल, देखे वाटरफॉल भी कर रहा है और ब्रूटी का जगह पूरा हुआ हमारा व्लॉग। तो आप वीडियोस देखते होंगे जिस तरह स्लो मोशन में वो दिखाते हैं जी पानी गिर रहा है, पाँव लड़कों ने रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने भी खुद देखे थे व्लॉग्स, मैंने इसलिए कहा इस जगह को एक्सप्लोर करें।
तो वो ये जगह है, आप इस जगह की हालत देख सकते हैं कि पूरी खुश्क हो गई है। ये आबशार आ रही थी, ये देखिए सामने ऊपर से जगह, ये बहुत अच्छी आप देख सकते हैं, लेकिन पानी कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है। अच्छा तो मैं जिस में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखे कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि वीलॉग पे आपको एंड में कुछ देखने को मिले ना मिले, एक चीज जरूरी है जो सबसे है कि आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता लगता है। जिस तरह मैंने आपको शाहपुर डैम का दिखाया है वीलॉग, उसके अंदर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जाएंगे तो वो बहुत पुरानी है मेरे ख्याल में बनी हुई। वहां पे अब आपको झाड़ियों घास के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा देखने को। और आप जिस तरह हम इस वक्त 2022 जून में इधर आए हैं, गालबन 9-10 जून है आज, तो आप ये देख सकते हैं कि इधर खुश्की है टोटल, समझ लें कि कैद पड़ चुका है। जो आपको आता है ना कि पाकिस्तान जूनी है पानी की कमी वाले मालिक में शामिल है, वो वैसे नहीं कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वीडियोस देखी है, ये आप चार के पूरा रास्ता बना हुआ, लेकिन खुश्क हो गए। इधर रास्ते में बंदे मिले हैं, वो कह रहे हैं बंदर है, वो भी पैसे बैठे हुए उनकी बोतलें लेके भाग गए हैं, तो इसलिए अब हम आगे नहीं जा रहे। जो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमने खुआरी काट ली है 2 दिन की, और चले लिए कि हमारा टाइम स्पेंड हो गया, दोस्तों की गैदरिंग होगी, लेकिन आप लोग इस खुआरी से बच जाएंगे। तो बाकी देखेंगे आगे कुछ अंबर वाटरफॉल वगैरह का, जब कभी हम वीलॉग बनाएंगे तो आपको वो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ झाड़ियों के और खुश्की के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपना आप सब ख्याल रखना, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीलॉग, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और यूजफुल भी। तो अपनी दुआ में याद रखना और मेरा भी ख्याल रखना चैनल का। अल्लाह हाफिज़।